गौरव भाटिया जी, आपके साथ पहला सवाल। बीते दिन जब हरदीप पुरी का ट्वीट सामने आया तो ऐसा लगा जैसे मौजूदा केंद्रीय सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया है, क्योंकि उन्होंने तो पूरा बखान लिखा है कि किस तरह से ये फ्लैट्स दिए जाएंगे, देश में क्या हालात है और यहां से बाहरियों को, घुसपैठियों को, जिन्हें आप कहते हैं देश के लिए खतरा है, उनको फ्लैट देने की तैयारी है। अभी आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के सिर तक कैसे पहुंचाया, जरा समझाइए, क्योंकि वो तो इनकार कर रहे हैं। अंजना जी, सरल भाषा में समझाता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग ओछी हल्की राजनीति करते हैं, जब कुछ महीन बातें आप बताइए तो वो उसको घुमा देते हैं। तो सरल भाषा में, संसद के पटल पर जो वक्तव्य दिया जाता है वो सरकार की नीति होती है, और इतिहास गवाह है कि इन 40,000 से 50,000 रोहिंग्या को घुसाने वाली कांग्रेस की सरकार है। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के पटल पर कहा था, घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये दीमक की तरह देश को खाते, इनको वापस भेजा जाएगा। उसके बाद आपको मैं एक पत्र दिखाता हूं जो अनुराग ठाकुर जी ने भी आज जिसका जिक्र किया है, ये 23 जून 2021 को है, ये दिल्ली सरकार की नीति है। सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जब प्रदेश सरकार की यह जिम्मेदारी है कि घुसपैठियों को चिन्हित कर लिया जाए तो वो डिटेंशन सेंटर घोषित करें, आज तक पे मैं चुनौती देता हूं आपके प्रवक्ता को, वो कृपया करके इधर उधर की बात ना करें और ये जरूर बता दें कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो रोहिंग्या आइडेंटिफाई हुए, जो घुसपैठिए हैं, उनके डिटेंशन सेंटर को चिन्हित करके नोटिफाई किया है या नहीं, पहला। दूसरा, ये पत्र दिल्ली सरकार लिख रही है, डेप्यूटी सेक्रेटरी होम, दिल्ली सरकार का होम डिपार्टमेंट, और ये क्या कहता है, ये खुद कहता है कि ये जो फ्लैट ईडब्ल्यूएस के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए बन रहे हैं, कृपया करके इसको आप जो घुसपैठिए हैं उनके लिए आवंटित करिए। और जब इस तरह की बातें सामने आई तो कल गृह मंत्रालय से ट्विटर हैंडल जो वेरिफाइड है, कुछ बड़ी बातें कही गई, और ये बड़ी बातें क्या है मैं आपके समक्ष रख दूं। सबसे पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ये निर्देश दिया है कि जहां पे ये घुसपैठिए हैं यथास्थिति बनाए रखिए। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ये गृह मंत्रालय के ट्वीट पे लिखा है कि जो घुसपैठिए हैं उनको वापस भेजा जाएगा और इसके लिए उन देशों की सरकारों से बातचीत चल रही है। तीसरी बात, ये पूछा भी गया है, दिल्ली सरकार को बताना चाहिए, ठीक है, कि ये जो आनन फानन में एक मीटिंग करी थी, ये मीटिंग करी थी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के, वो कह रहे हैं दिल्ली वासियों तुम्हारे पास पानी हो पाइपलाइन से या नहीं, लेकिन ठंडा ठंडा मीठा मीठा ट्यूबवेल का पानी इन घुसपैठियों को देना। और वजह पता है क्या है, अमानतुल्ला खान खुद कहते हैं रोहिंग्याओं को यहाँ पे नागरिकता देके बसा दिया जाए, उनको राशन देते हैं। अरविंद केजरीवाल के मुंह से चू निकलते सुनी आपने क्या, अमानतुल्ला खान को पार्टी से निकाला क्या, ठीक है, जवाब सुनते हैं। इनकी नीति है, अब जवाब सुनते हैं। 10 सेकंड और ले लो, घुसपैठियों का धर्म देख के ये सोचते हैं कि ये भविष्य में हमारा वोट बैंक बनेंगे, देश की सुरक्षा इनके लिए सर्वोपरि नहीं है जो मोदी जी के लिए, ठीक है। सौरभ भारद्वाज जी, तीन बिंदुओं पर उन्होंने घेरा है, पहले तो डिटेंशन सेंटर को लेकर, चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी को लेकर, और तीसरा मुद्दा जिस पर वो कह रहे हैं अमानतुल्ला खान, तीनों पर आपका जवाब, और आखिर क्यों, अगर ये मामला इस तरह का है, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी पहले की हैं कि उनको तमाम सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, ऐसा आपने हाईकोर्ट में कहा है, तो फिर इससे पीछे हटना क्यों? देखिए अंजना जी, सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है, केंद्र सरकार के एक सीनियर मिनिस्टर हरदीप पुरी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स में काम करते रहे हैं, उन्होंने क्रेडिट लिया सुबह सुबह 7:30 बजे दो ट्वीट करके कि इससे बढ़िया लैंडमार्क डिसीजन हुआ नहीं है। केंद्र सरकार ने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है कि इन रोहिंग्या रिफ्यूजियों को हम लोग ईडब्ल्यूएस फ्लैट बकरवाला में देंगे, इन्होंने लिखा है, हमने नहीं लिखा। और इन्होंने ये भी लिखा कि हम लोग इनको यूनाइटेड, ये लिखिए, इंडिया, हरदीप सिंह पुरी वेरीफाइड हैंडल है, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव सॉट रिफ्यूज इन द कंट्री इन अ लैंडमार्क डिसीजन,
ऑल रोहिंग्या रिफ्यूजीज विल बी शिफ्टेड टू द ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स इन बकरवाला एरिया ऑफ दिल्ली, दे विल बी प्रोवाइडेड बेसिक एमिनिटीज, यूनाइटेड नेशंस आईडी कार्ड्स एंड राउंड द क्लॉक दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन। और टैग किसको किया है? पीएमओ इंडिया, प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग किया इन्होंने सुबह 7:30 बजे। उसके बाद क्या लिखा उन्होंने? उसके बाद उन्होंने ट्वीट में ये लिखा कि जो लोग इसको सीए के साथ जोड़ते थे आज वो बड़े हताश होंगे, और हम यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का पालन करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हर रिफ्यूजी को चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो उसको हम लेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस की जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 की, अंजना जी, उसका भारत सिग्नेटरी नहीं है, इसीलिए हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि हम रोहिंग्या रिफ्यूजियों को, इलीगल माइग्रेंट्स को रखें। मगर इन्होंने यहाँ पे इसको भी समाप्त कर दिया, इन्होंने कहा कि हाँ हम इस कन्वेंशन से भी बाउंड हैं, जो कि एक तरीके से देशद्रोह है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टैग करके वो लिख रहे हैं, एनआई के अंदर उनकी प्रेस स्टेटमेंट है, उनके बारे में लिखा गया है, ये सब इत्तफाक नहीं है। अलार्म किसने रेज किया? मैंने रेज किया। मैंने 10:30 बजे हरदीप पुरी जी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि हम ये नहीं होने देंगे, दिल्ली के लोग और दिल्ली की सरकार नहीं होने देगी कि आप रोहिंग्या रिफ्यूजियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट दीजिए। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को कोसना शुरू किया, केंद्र को कोसना शुरू किया, मीडिया के अंदर ये मामला बना, तब केंद्र सरकार ने यू टर्न लेके एमएचए की तरफ से एक लीपापोती की सफाई दी, क्लेरिफिकेशन दी। ये सब तो ऑन द मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। इसका जवाब दीजिए गौरव जी। हरदीप पुरी ने जो बड़ी बड़ी बातें हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम करते हुए ट्वीट किया था, उन्होंने ही तूफान की शुरुआत की। क्या तो सरकार के दो मंत्रालयों में, गृह मंत्रालय में और हरदीप पुरी के मंत्रालय में कोई सामंजस्य नहीं है, या फिर क्या है मामला? हृदय परिवर्तन हुआ, क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंजना जी, मैं समझाता हूं। आपने देखा, मैंने पूछा अरविंद केजरीवाल झूठे नंबर वन मुख्यमंत्री, डिटेंशन सेंटर उन्होंने नोटिफाई किए हैं या नहीं किए, प्रश्न नंबर वन। आपको उत्तर मिला, जलेबी बनाई, पूरी जलेबी बनाई, घुमाई इधर उधर, हर जगह गए, लेकिन ये नहीं बताया डिटेंशन सेंटर। सौरभ भैया, आप तो झूठ ना बोलते थे, कम से कम अभी बताइएगा। आपकी बारी में तो मैं बोला नहीं था। हाँ हाँ, बिल्कुल दीजिएगा, मैं उत्तर ही मांगने आया हूं, दिल्ली की जनता भी मांग रही है। पहली बात अंजना जी, डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनवाया, मैं आपको बताता हूं। इनको दिल्ली वासियों की चिंता नहीं है, टैक्स पेयर का रुपया लगे वो दिल्ली वासियों के हित के लिए काम आए, नहीं। ये जो बाहर से घुसपैठिए आते हैं ना, अगर इनका धर्म इनको सूट करता है और तुष्टिकरण की राजनीति हो सकती है और भविष्य में वोट बन सकता है, तो भैया वो भी स्वागत करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि क्यों हरदीप पुरी जी का ट्वीट आया है और समन्वय नहीं है। अभी भी ट्वीट अंजना जी, सबसे पहले तो देखिए, मैंने संसद के पटल पर जो बयान था, अभी भी ट्वीट डिलीट नहीं किया है गौरव जी, उनका ये ट्वीट अभी भी वहां मौजूद है। हाँ, देखिए, आपके प्रवक्ता की तरह जलेबी नहीं बना रहा हूं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, और मेरे विवेक को कम मत आकिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। सबसे बड़ी बात है, ये क्षेत्र अधिकार जुरिस्डिक्शन किसका है? गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय ने जैसे ही देखा कि हरदीप पुरी जी को जो मीडिया से रिपोर्ट मिली है जिसपे ओछी हल्की घटिया राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, तो गृह मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ट्वीट किए, जिसका सार मैं आपके समक्ष रख चुका हूं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या आपने अरविंद केजरीवाल का, और मैं चुनौती सौरभ भाई को फिर से देता हूं, एक वक्तव्य दिखा दे कि रोहिंग्या को देश से निकाला जाए, या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का दिखा दे? अरे ये वो हैं जो एनआरसी लागू होने पे हो हल्ला कर रहे थे, छाती पीट रहे थे, सीए पे कह रहे थे मुसलमानों तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, जो झूठ था। और आज जब हम स्पष्ट कर देते हैं कि यहां पे कोई दीमक नहीं रहेगा, उनको बाहर भेजा जाएगा और विधि संगत तरीके से भेजा जाएगा, तो इनको दर्द होता है। तो आज जो बड़ा मुद्दा है वो हरदीप पुरी जी का ट्वीट नहीं है, वो ये इच्छा शक्ति जो सरकार की है कि रोहिंग्या वापस भेजे जाएंगे, जिसको कांग्रेस पार्टी ने घुसाया, जिसको आम आदमी पार्टी वोट बैंक मानती है, उस पर प्रश्न पूछिए और एक उत्तर मिल जाए, तब आप उससे बात करिए।